हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू टेक्निकल रोल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आप अपना खुद का चैट एप्लीकेशन किस तरह बना सकते हैं, इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले आपको गूगल में जाना, गूगल में जाके सिंपली ऐप गीजर सर्च कर लेना है। सिंपली मैं यहाँ लाइव दिखा रहा हूँ, उस तरह ही आपको करना है सेम, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली आपको यहाँ पे पहले करना क्या, सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। आपकी जो भी मेल आईडी है उस आईडी से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना। मैं सिंपली यहाँ फटाफट यहाँ पे सेटअप लॉगिन कर लेता हूँ। देख सकते हैं ऊपर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे जाके आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ कि आप खुद का एप्लीकेशन किस तरह बना सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से। तो डिटेल में दोस्तों वीडियो कम्प्लीट देखना, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ईजी तरीका दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले यहाँ लॉगिन मैं कर लेता हूँ अपना जो भी ईमेल आईडी। लॉगिन करने के बाद सिंपली ये मेरा यहाँ लॉगिन हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली आपको मैं स्टेप बाय पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को कम्प्लीट देखना, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको दोस्तों करना क्या है, सिंपली ऊपर क्रिएट ऐप का ऐप दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों, तो कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ काफ़ी सारी एप्लीकेशन रन हो रही है, तो कोई भी आप बनाना चाहते हो तो काफ़ी सारी यहाँ पे एप्लीकेशंस अवेलेबल, जो आप बनाना चाहते हो अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान है दोस्तों इसमें कुछ। तो इंडिविजुअल और बिजनेस का ऑप्शन दिखा रहा है, वहाँ पर आपको इंडिविजुअल में सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जो एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हो बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली हम यहाँ पे मैसेंजर एप्लीकेशन यहाँ पे बनाने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत ही इजी तरीका इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ दोस्तों, तो वीडियो को कम्प्लीट देखना दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, सिंपली मैसेंजर पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है दोस्तों। तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, इस तरह कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको कुछ एडिटिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ ऐड टू इमेज, मतलब आप अपनी बैकग्राउंड की इमेज किस तरह की रखना चाहते हो उस तरह की यहाँ पे आप फोटो इसे गैलरी में से यहाँ अपलोड कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हो उस तरह, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ सिलेक्ट फाइल कर लेते हैं, तो ये फाइल मुझे सही लग रही है, यहाँ पे इस फाइल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिंपली इसको क्रॉप साइज़ के हिसाब से हम करना चाहते हैं। मैं सिंपली अभी यही रख रहा हूँ दोस्तों, कुछ इसमें चेंजेस नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। तो सिंपली यहाँ पे नीचे लास्ट में हम जाते हैं, तो लास्ट में दोस्तों और काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल्स है, पर यहाँ पे कुछ हमें करना नहीं है दोस्तों। यहाँ आप लिंक डालना चाहो तो लिंक भी डाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, बट यहाँ कुछ एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम यहाँ पे एप्लीकेशन बना रहे हैं, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको ऐप का नाम डालना है, तो सिंपली मैं यहाँ अपनी एप्लीकेशन का यहाँ नाम डाल देता हूँ दोस्तों, ठीक है, टेक्निकल रॉयल। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूँगा। तो नेक्स्ट कर दिए, यहाँ कुछ इमेज आप सिलेक्ट करना चाहो, जो मतलब मैसेंजर के टाइप की आप इमेज रखना चाहो तो रख सकते हो दोस्तों। मैं सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, इसमें से कोई इमेज सिलेक्ट नहीं करना चाहता। मैं सिंपली अपना जो टेक्निकल रॉयल का लोगो है वही यहाँ पे मैं अपलोड कर लेता हूँ कस्टम जाके वहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको कोई भी जो भी इमेज यहाँ चूज़ करनी है, चूज़ करके यहाँ सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं सिंपली यहाँ पर अपनी चैनल का यहाँ पर मैं फ़ोटो लोगो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपली उसको साइज़ के हिसाब से यहाँ मैं सेटअप थोड़ा कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद साइज़ के हिसाब से सेट करने के बाद यहाँ क्रॉप पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नीचे लास्ट में ऑप्शन है, नेक्स्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद क्रिएट, ठीक है। तो ये क्रिएट होने के बाद सिंपली हमारे एप्लीकेशन यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन क्रिएट जैसे ही करते हैं तुरंत हमारा एप्लीकेशन बनके रेडी हो जाएगा दोस्तों। तो सिंपली बहुत आसान तरीका इस वीडियो में मैंने बताया दोस्तों। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं, ये जिस तरह हमने एप्लीकेशन बनाया है चैट का, तो वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बार हम यहाँ पर सेटअप करके चेक कर लेते हैं, हमारे फ़ोन मोबाइल में जाके हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये एप्लीकेशन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्तों उससे पहले, आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एप्लीकेशन कैसा बना हुआ है, यहाँ पे हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। ऊपर डाउनलोड वाला ऑप्शन है, डाउनलोड कर लेना है और ये डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। और इसको नेक्स्ट करके इसे ओके कर देना है। देख सकते हैं हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो अब इसे एक बार हम वेरीफाई करके चेक कर लेंगे कि अपना जो भी एप्लीकेशन बनाया हुआ है तो वो कैसा बना हुआ है। इंस्टॉल कर लिया है फटाफट मैंने,
सो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पे स्टार्ट मैसेज पर हमें क्लिक कर देना है सिंपली। उसके बाद देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है दोस्तों, प्राइवेसी काफ़ी सारी प्रोटेक्शन यहाँ पे दिए गए। सिंपली आपको मोबाइल नंबर अपने अपडेट करना है पहले, तो मैं फटाफट यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर देता हूँ। और यहाँ OTP वेरीफाई के लिए जाएगा, तो OTP आएगा उस नंबर पे, तो उसी को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो एक बार देख लेते हैं हमारा कैसा एप्लीकेशन बना हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे अपना नाम और सरनेम नीचे डालनी है, तो सिंपली अपना फटाफट यहाँ पे नाम टाइप कर लेता हूँ और यहाँ सरनेम टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे टाइप हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव हमारा बन चुका है एप्लीकेशन दोस्तों। इसी तरह आसानी से आप बहुत ही आसान तरीके से एप्लीकेशन बना सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।